हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो मैंने टॉपिक लिया है टी शेप अकाउंटिंग का और ये हमारे अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक है। अब इसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो टी शेप अकाउंटिंग में होता क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि टी शेप में कहा जाता है, मींस ये टी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो टी के फॉर्म में यहाँ पर देखिए हमारा ये फॉर्मेट बना हुआ है, ये फॉर्मेट आपका पूरा है और ये जो कॉलम है ये आपका बना रहा है टी शेप अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें हमारे टू साइड्स हैं। हमारा जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा डेबिट साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमारा क्रेडिट साइड है। ये दो साइड्स के बेसिस पे अपने इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री को पास करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बताया था क्वेश्चन, तो उसमें एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल तीनों एक साथ हम लगाते थे। अब यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स के बेसिस पे। तो मैंने देखिए आपके लिए सिंपल सा एक रूल भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड में जाते हैं। मींस जब भी कोई भी एसेट्स अगर अकाउंट है हमारा और अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम अपने डेबिट साइड में शो करेंगे, और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड में हम नोट करते हैं। मींस एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट। जस्ट ऑपोजिट, एसेट्स की वैल्यू अगर हमारी डिक्रीज होगी और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम अपने आते हैं क्रेडिट साइड में। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें हम, तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम, जैसे कि आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में बताए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट्स हमारे पास आ रही हैं तो डेबिट, और एसेट्स हमारे पास से आउट होंगे तो वो क्रेडिट। मींस जैसे डिक्रीज, तो डिक्रीज मींस एसेट्स हमारे पास से आउट हो रही है। और एसेट्स का जस्ट अपोजिट रूल फॉलो होता है हमारे लायबिलिटी और कैपिटल के लिए। ये जो लायबिलिटी का रूल है यही साथ ही साथ हमारे कैपिटल के लिए भी फॉलो होगा सेम एज इट इज। ये कैपिटल की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट में और अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में। हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है, देखिए, ओपन अ टी शेप अकाउंटिंग अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर्स संजय एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। मतलब हमें टी शेप अकाउंटिंग ओपन करना है और हमारे जो क्रेडिटर है संजय, तो जैसे ही बात आई क्रेडिटर की तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्रेडिटर्स हमारे लिए होते हैं लायबिलिटी, तो मींस यहां पर जो क्रेडिटर संजय है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी हो गया, यानी अब हमारी लायबिलिटी का रूल फॉलो होगा ये वाला, ठीक, कि अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डेबिट साइड, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट साइड। अब जैसा जैसा ट्रांजेक्शन है वैसे वैसे हम एंट्री पास करते चलेंगे, बहुत इजी, आप बस ध्यान से देखते चलिए। जैसा कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। ऑन क्रेडिट मींस क्या होता है, उधार। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ट्रांजेक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मींस उधार, तभी तो ये क्रेडिटर्स आ रहे हैं। तो जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो आते हैं क्रेडिटर्स, और जब भी हम क्रेडिट सोल्ड करते हैं तो आते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। तो हमने किया है क्या, क्रेडिट पे परचेज, तो यानी कि 40,000। अब यानी कि हमें पैसा बाद में तो देना पड़ेगा ना, आज उधार खरीद रहे हैं बाद में तो देना पड़ेगा, तो यानी हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो किधर जाते हैं हम, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब यहां पर एक रूल भी होता है कि डेबिट साइड में जब भी हम कोई चीज को लिखते हैं किसी भी अकाउंट को, तो हम यहां पर टू वर्ड यूज करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जब भी यूज करते हैं तो बाय के साथ शो करते हैं। तो हमने परचेस किया है गुड्स क्रेडिट पे, तो हम बस यहां पर मेंशन कर देंगे परचेजेस, ठीक है, हमने परचेजेस मेंशन कर दिया। कितने का परचेस किया हमने, 40,000 का, तो अमाउंट हमने दिखा दिया सिर्फ 40,000। यहां पर हमारा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम आएंगे अपने सेकंड ट्रांजेक्शन पे, लिखा है पेड टू संजय ₹25,000। पेड टू संजय 25,000 मींस क्या हुआ कि अगर हमने उससे 40,000 का गुड्स को एक उधार पे खरीदा है तो उसमें से हमने 25,000 से पे कर दिया, तो मतलब अब हमें 25,000 की लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो तुरंत आप कहेंगे सर पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो किधर जाते हैं हम, अपने डेबिट साइड में, मेंशन किया है। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट हम कैसे करेंगे, कैश में, तो यहां पर हमने लिखा क्या, टू कैश, ठीक। और अगर हमने आपसे पूछा कि अमाउंट कितना होगा, हमारे पास से कैश कितना आउट हुआ पेड किया, तो 25,000 आपने कहा, तो आंसर लिख दीजिए 25,000 रुपीज हमारे पास से कैश आउट हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारा था थर्ड ट्रांजेक्शन, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। तो सर जिस तरह से फर्स्ट की था वैसे ही आप थर्ड वाला भी कर दीजिए। तो परचेज किया तो इधर आ गया, हमने क्या लिखा बाई, फिर से नोट किया परचेजेस, कितने के परचेजेस हैं फिर से 16,000 के, तो यहां पर हमने 16,000 अगेन परचेज कर लिया, हो गया हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन भी। फिर आपको बस इतना ही देखना है कि कब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, बस इतना ही आपको करना है। और रूल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो आप तुरंत आ जाइए डेबिट साइड में, और इंक्रीज कर रही है तो तुरंत आ जाइए आप क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू संजय ₹2,000, मतलब हमने संजय को गुड्स 2000 का वापस कर दिया। तो अब बताइए हमने अगर परचेस किया होगा कितने भी अमाउंट का गुड्स, उतना पेमेंट करना था परचेस में दिखा दिया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, गुड्स खराब निकलता है तो वापस कर देते हैं। तो अगर हमने जितने अमाउंट का गुड्स वापस कर दिया तो क्या उसका फिर पेमेंट हम करेंगे, नहीं। तो यानी हम 2000 का पेमेंट नहीं करेंगे जो गुड्स रिटर्न हो गया, तो इट मींस दैट कि 2000 की लायबिलिटी हमारी कम हो गई, गुड्स वापस कर दिया 2000 का पेमेंट नहीं करना है, तो नहीं पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट साइड में। तो लिख दिया हमने क्या, गुड्स रिटर्न, ठीक है गुड्स रिटर्न। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो इस गुड्स रिटर्न को हम परचेज रिटर्न के नाम से भी यहां पर डिनोट कर सकते हैं। तो गुड्स रिटर्न हमने कितने का किया, 2000 का, हमने यहां पर 2000 मेंशन कर दिया। फोर्थ ट्रांजेक्शन भी हो गया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं, लास्ट पेड टू संजय ₹20,000। तो फिर से आप कहेंगे कि सर ये तो पेड वाला है, आप ऑलरेडी बताया पेड मींस क्या हुआ 20,000। अब संजय को हमको पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दिया हमने 20,000, पॉकेट से कैश निकला हमने दे दिया, तो यानी हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फिर सिंपल हमारा यही है फंड है कि हम कैश में ही अपना पेमेंट कर दिए, कितने का 20,000 का हमने यहां पर पेमेंट शो कर दिया। ये फिफ्थ भी कंप्लीट, अब सब कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, अब बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है टोटल करेंगे। जैसे देखिए हम डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया तो क्या हुआ, देखिए 4 और 1 हो गया 556,000 इधर आ गया, ठीक है। और जब इधर देखे हमने तो 25,000, 2000, 20,000 इसे जब प्लस किया तो 2 to 4 हो गया 4 और 5 45, और ये हो गया 47,000 ये हो गया। लेकिन क्या दोनों इक्वल हमें दिख रहे हैं, नहीं। और रूल क्या होता है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अपने वीडियो में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले में, जहां पे मैंने ये भी कहा था कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। तो देखिए डेबिट में बैलेंस 47,000, क्रेडिट में बैलेंस 56,000, इक्वल नहीं हुआ। तो इक्वल हम बनाएंगे किस तरह से बनाते हैं, बैलेंस लिख के। तो ये तो हमारा टोटल हमने कर दिया, यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं कि ये तो हमने किया है टोटल। अब डिफरेंस जो अमाउंट का आएगा उसको हम मेंशन कर देंगे बैलेंस से, ठीक है। इधर पैसा कम पड़ रहा है क्योंकि इधर 56 है, इधर 47 है, पैसा कितना कम पड़ा 6 और 3 9,000 हमारा डिफरेंस अमाउंट आ गया, ठीक है। अगर डिफरेंस इधर कम पड़ता तो इधर बैलेंस लिख के उतना डिफरेंस अमाउंट दिखा दिया जाता। अब देखा जाए क्या होता है टोटल, तो अब फिर से टोटल हम यहां पर करेंगे, और यहां पर देखा इक्वल के लिए छोटा सा हम यहां पर डबल इक्वल लाइन करते हैं, ठीक है। और फिर से इधर भी साइड कर दिया, अब दोनों साइड को टोटल देख, तो इधर भी देखिए कितना हो जाएगा 56,000, और इधर भी सेम हमारा हो जाएगा 56,000। अब देखिए इसको फिर हम यहां पर पूरा अकाउंट क्लोज कर देंगे, और अब आप कह सकते हैं कि सर डेबिट साइड में भी 56,000 है, क्रेडिट साइड में भी 56,000 है, हमारा बैलेंस इक्वल हो गया। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट का हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया, और आज इसी के साथ हमारा जो टी शेप अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद से जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं लास्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने वाला है, जो कि मैं अकाउंटिंग साइकिल में भी आपको कहा था ट्रांजेक्शंस के बाद जर्नल एंट्री पोस्ट होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्री का चैप्टर, जिसमें पूरे बेसिक रूल आ जाएंगे। तो जर्नल एंट्री का हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा, तभी जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जर्नल के ऊपर बेस्ड होगी। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। आपकी पढ़ाई बिल्कुल लॉस नहीं होने वाली लॉकडाउन में। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।